Hey guys, welcome back once again on my channel. मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और फिर से आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मैजिकल हेयर ऑयल DIY लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से अगर आप गंजेपन का शिकार हैं, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, बालों में जैसे कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा बाल दिखते नहीं है, बहुत ही ज्यादा आपके बाल उड़ चुके हैं और साथ के साथ ही अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो उसका भी ये जबरदस्त इलाज है और उसके साथ साथ आपके बाल को टूटना झड़ना जो बहुत ही ज्यादा हो रहा है उसको एकदम से कम कर देगा। साथ साथ आपके बालों को इस तरीके से लंबाई है यानी कि ग्रोथ बहुत ही अच्छा देगा। तो बहुत ही इफेक्टिव सा DIY है दोस्तों, बिल्कुल झूठ नहीं है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं मेरे बालों में बहुत ही अच्छे से इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके पहले मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे DIY हेयर ऑयल बनाए हैं आप सभी लोगों के लिए, सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप कोई भी एक DIY पकड़ लीजिए, जिससे भी जो भी प्रॉब्लम है आपको बाल को लेकर के, वो एक वाला ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी आपका बाल ठीक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और साथ के साथ ही टूटना झड़ना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। गंजेपन की अगर आपकी शिकायत हो रही है, बाल बहुत ही ज्यादा झड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, नए बाल उगाना शुरू कर देता है, इतना इफेक्टिव है दोस्तों। जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट्स करके कि आपने ये वाला DIY ट्राई किया कि नहीं किया, कि कैसा इफेक्ट रहा आपको इसके, मतलब आपके बाल के ऊपर। तो ज्यादा बातें ना करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर ऑयल का DIY। तो दोस्तों आज का DIY बनाने के लिए सबसे पहला सामग्री जो हमने लिया है वो हमारा है मंगरेला, यानी कि इसको हम बोलते हैं कलौंजी, इंग्लिश में अगर आप बोले तो ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो कि खाने पीने की चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप नजदीक से देख सकते हैं, इजिली आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, वरदान होता है इसका। मैंने पहले भी DIY बनाया है, मैजिकल हेयर ऑयल बनाया है, जिसकी मदद से आप अपने बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं। आज फिर से इस वाले DIY वे में भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हमने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के आसपास लिया है। दूसरा सामग्री हम लेंगे ये हमारा है मेथी दाना, मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जिसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत फायदा होता है और ये हमारे बालों के लिए तो वरदान होता है। दोस्तों कहा जाता है अगर आप मेथी दाना का रेगुलर इस्तेमाल करोगे अपने बालों के लिए तो गंजेपन के लिए बहुत ही ज्यादा सही इलाज होता है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेथी दाना, जो कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच। इसके पहले भी मैंने मेथी दाना और कलौंजी मिक्स करके बहुत ही बढ़िया मैजिकल हेयर ऑयल बनाया है, जिसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। उसके बाद हम इसके अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई ली है दोस्तों, इससे क्या होता है हमारे बालों का कालापन जो होता है ना बरकरार होता है, लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ DIY हमेशा बढ़िया होता है। हमने उसके बाद जो सामग्री लिए है वो हमारा है वर्जिन कोकोनट ऑयल है और ये कोल्ड प्रेस्ड है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने लगभग लिया है 250 ml के आसपास, यानी कि 250 ml। तो इसकी क्वांटिटी आप कम और ज्यादा इसलिए रख सकते हैं, जितना भी क्वांटिटी में आपको तेल बनाना है उसी हिसाब से यहाँ पे आप तेल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसके बाद हमने लिया है, हमने जो कलौंजी लिया था उस कलौंजी को हमने यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, बारीक पाउडर फॉर्म में बना लिया हुआ था और उस कलौंजी को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, उसके पाउडर को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने सेम मेथी दाना को भी बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, तो उसका हमें यहाँ पे पाउडर लेना है, जो कि आज का DIY जो मैजिकल हेयर ऑयल बना रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों इस वाले DIY को इस्तेमाल करने से आपके बालों से रिलेटेड गंजेपन से जो समस्याएं होती है वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। अब जो हमने सामग्री ली है ये हमारा है हीना यानी कि मेहंदी, जो कि हमारे बालों को जो है नेचुरली रूप से काला करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये लगभग यहाँ पे हम लगभग लेंगे 3 से 4 चम्मच, इससे आपके बाल जो है नेचुरल रूप से जो काले होंगे और हमने जो मंगरेला इस्तेमाल किया है वो भी हमारे बालों को काला करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इतनी सामग्री हमने इस्तेमाल की है, इसके बाद हम लेंगे एक और सामग्री जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने हीना यानी कि मेहंदी लगभग 3-4 चम्मच डाल करके बहुत ही अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स कर दिया हुआ है। गैस को यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, तेज गैस नहीं रखना है। ये हमने सामग्री ली है, ये हमारा है अरहुल का फूल बोलते हैं, यानी कि हिबिस्कस का प्लांट बोलते हैं, हिबिस्कस जो कि हमारे बालों के लिए वरदान माना जाता है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे अरहुल के लगभग 2 फूल लिए हुए हैं, एक पिंक कलर का था, एक येलो कलर का था। आप कोई सा भी अरहुल का फूल आप ले सकते हैं, जिससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, आपके बालों से जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि टूटना झड़ना उसको भी बहुत ज्यादा रोक देता है, साथ के साथ ही आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इन सभी चीजों को हमने रख दिया हुआ इसके अंदर और गैस को यहाँ पे लो करके आपको लगभग दोस्तों इसको आधा घंटे तक पकाना है, बहुत ही लो गैस पे। इससे क्या होगा, मेथी दाने का, कलौंजी का, मेहंदी का और हमने जो हिबिस्कस का प्लांट लिया है इसका बहुत ही बढ़िया सा फायदा आपके तेल में आ जाएगा और जो आपका तेल जो होगा वो मैजिकल हेयर ऑयल हो जाएगा। गैस बंद करके आपको इसको बहुत ही अच्छे से कढ़ाई में ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, जिससे लोहे की कढ़ाई के जो एक गुण होते हैं किसी भी चीज को अगर आप डालोगे तो उसमें क्या होता है जंग की वजह से उसको काला कर देता है, जो कि और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो उसको आधा घंटा हमने कढ़ाई में छोड़ने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, जिसके अंदर अगर हमने प्लांट्स वगैरह लिए थे और जो भी गंदगी होगी मतलब जो भी दाने वगैरह होंगे वो अच्छे से छन जाएंगे और हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा
तेल जो है रेडी हो जाएगा। तो सभी चीजों को काफी अच्छे से यहाँ पे डाल करके इसको अच्छे से हमने छान लिया हुआ है और हमारा जो है सुपर मैजिकल हेयर ऑयल रेडी हो चुका है। आपके बालों के लिए गंजेपन का शिकार है अगर आप हैं दोस्तों, तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये वाला हेयर ऑयल। अगर आपके बाल बहुत ही जल्दी सफेद हो रहे हैं तब भी ये ऑयल जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो बहुत ही जबरदस्त हमारा आज का ये मैजिकल हेयर ऑयल रेडी हो चुका है। देखिए, देखने से लग रहा है कि बहुत ही ब्लैक है, यानी कि आपके बालों को जो है ब्लैक भी करेगा, नेचुरली रूप से ब्लैक करेगा, साथ के साथ ही काले, घने और मुलायम, टूटना झड़ना रोक देगा। इस वाले तेल को यहाँ पे मैं स्टोर करके रखती हूँ। 1 महीने का आप तेल बना करके रख सकते हैं, 15 दिन का तेल बना करके रख सकते हैं। तो जितना भी मन करे आप उतना दिन का आपको बनाइए, स्टोर करके रखिए और आराम से इस तेल को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही टाइम तक, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक डब्बे में डाल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कांच के ग्लास में, कांच के जार में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ढक्कन लगा के मैं यूज करूंगी और जब भी इस्तेमाल करें दोस्तों, हमेशा एक बार इसको बॉटल को या फिर जिस भी चीज में आप रख रहे हैं उसको अच्छे से शेक कर ले, जिससे जब जितने भी नीचे बैठे हुए इसके इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तेल में और फिर आपके बालों के लिए वो वरदान हो जाए। तो बस हमारा जो हमने ले लिया है थोड़ा सा, जितने भी आपके बालों की लंबाई है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे तेल कटोरी में लेना है और बाकी तेल को आपको साइड में रख देना है। जब भी इस्तेमाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बाल में लगाने का भी तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बाल को पार्टीशन कर लेना है, जिससे आपको तेल बहुत ही आसानी से लगाने में मदद हो, अच्छे से हेल्प मिले। इसके लिए आपको पार्टीशन कर लेना है और उसके बाद ये देख सकते हैं तेल कितना सुपर बढ़िया सा लग रहा है, ब्लैक है। तो अच्छे से कपड़े को बचा के रखें, समटाइम्स क्या होगा इसके अंदर हीना भी है तो कपड़े वगैरह पे दाग लगने के डर हो सकते हैं। तो ये कोशिश करिए कोई पुराना टी शर्ट या फिर जो भी आप पहनते हैं वो पहन के और उसके बाद ये वाला तेल अप्लाई करें। तो पार्टीशन कर करके आपको पूरे बाल के जड़ों में, स्कैल्प वाले पार्ट में लगाना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे बालों की जो होती है ना वो स्कैल्प से शुरू होती है। अगर आपके स्कैल्प मजबूत रहेंगे तो आपके बालों का टूटना झड़ना रुक जाएगा और साथ के साथ ही अगर आपके गंजेपन का शिकार आप हो रहे हैं तो वो कम कर देगा, नए बाल उगाना शुरू कर देगा और खासतौर पर टूटना झड़ना जो बालों का होता है ना वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा। तो सभी चीज जो है इस तेल में भरपूर मात्रा में मौजूद है, मैजिकल हेयर ऑयल इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इस तरीके से पूरे बाल पे लगा करके इसको दोस्तों आपको मसाज देना है लगभग 10 से 15 मिनट तक, जिससे सभी तेल के गुण है ना आपके जड़ों तक, अंदर तक पहुंचे, स्कैल्प तक। और उसके बाद आपको यहाँ पे बाल को अच्छे से बांध लेना है, टाई कर लेना है और फिर बांधने के बाद आपको यहाँ पे अपने बाल में ये तेल लगभग 2 घंटे रखना है। मिनिमम 2 घंटे रखे, मैक्सिमम आप 4 घंटे या फिर 5 घंटे भी रख सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको शैम्पू कर लेना है। तो शैम्पू लगभग 2 बार जरूर करें, क्योंकि तेल में थोड़ी सी स्मेल होगी तो तेल की स्मेल को निकालने के लिए आपको यहाँ पे लगभग 2 बार शैम्पू कर लेना है। पहले बार के शैम्पू करने से ही आपके बालों में एक अच्छी सी फर्क दिखेगी, आपके बाल जो है मुलायम दिखेंगे, आपके बाल जो है टूटना झड़ना कम हो जाएगा, आपको फर्क पड़ेगा बहुत ही जल्दी दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स और मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे बहुत ही मेरे हस्बैंड बहुत ही जल्दी इस्तेमाल करते हैं। मेरे हस्बैंड के थोड़े थोड़े बाल कम थे, उनके नए बाल उगने शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये मैजिकल हेयर ऑयल है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है, कोई भी झूठ नहीं है। इस्तेमाल कीजिए और फिर खुद विश्वास कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत इफेक्टिव हेयर ऑयल है दोस्तों। तो अच्छा लगे आज का ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।